हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बिहान। रचना शरीर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रमाण शरीर। देखिए, जितने भी अभी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के एग्जाम हुए हैं, डायरेक्ट एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे हैं प्रमाण शरीर से रिलेटेड, अंजलि प्रमाण और अंगुल प्रमाण। इस वीडियो में मैं आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करवा के जाऊँगा और ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ये ट्रिक्स आपने याद रखनी है, इसमें आपका सारा ही टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि अगर आप UPPSC आयुर्वेदा स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर HPPSC आयुर्वेदा फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 या फिर आयुर्वेदा फार्मासिस्ट का कोई भी एग्ज़ाम अदर किसी स्टेट के लिए, सिंपली यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज आपको आयुर्वेदा की सारी कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी और हफ्ते भर में जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं वो आपको अलग से अपडेट हो रहे हैं। साथ में MCQs, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, ये सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि आयुर्वेदा की कहीं पे भी कोचिंग नहीं मिल रही है, अगर कहीं पे मिल रही है तो 25,000, 30,000, 35,000, ठीक है, 1-1 लाख रुपए की तक डिमांड हो रही है। तो मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हर महीने भारी भरकम फीस और महंगे कोचिंग संस्थानों में जाने से बचना है, ठीक है। व्हाट्सएप करिए, घर पर बैठ के पढ़िए, सारा वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं। साथ में मॉडल पेपर और हफ्ते में जो भी टेस्ट आपके हो रहे हैं उनमें आप अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं कि कितना आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे रचना शरीर की। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैं पहले समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए, आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हमारे पास वेट मशीनें हैं, ठीक है। मतलब हम किसी भी तरह का कोई भी अगर भार मापना है तो हमारे पास सारी वेटिंग मशीनें हैं, ठीक है। हमारे पास इंची टेप्स हैं, हम मेज़र कर सकते हैं किसी भी चीज़ की लंबाई, ऊंचाई, ठीक है। हमारे पास, कहने का मतलब ये कि हमारे पास हर एक टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि हम आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। लेकिन सुश्रुत के टाइम पे ऐसा नहीं था। सुश्रुत के टाइम पे क्या था, अंजलि प्रमाण थे, अंगुल प्रमाण थे, ठीक है। सब कुछ बताऊँगा, ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। जो बता रहा हूँ अभी उसके ऊपर फोकस करिए। आपको पता है कि आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे आपको पता है कि किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, मिलीमीटर आपका हो गया, आपका मीटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके यूनिवर्सल एक्सेप्टेड चीज़ें हैं। मतलब अगर किलोग्राम में है तो किलोग्राम ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में जाके किलोग्राम को कुछ और कहेंगे, यूक्रेन में जाके, यूरोप में जाके मिलीमीटर को कुछ और कहेंगे, ग्राम को कुछ और कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये आज के टाइम पे ये हमारी चीज़ें यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। लेकिन सुश्रुत के टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। सुश्रुत के टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो वो कैसे चीज़ों को मेज़र करते थे, देखिए कैसे मेज़र करते थे, वो आपके अंजलि प्रमाण से। अब ये अंजलि प्रमाण क्या होता है भाई, ठीक है। देखिए, मैं आपको ऐसी लैंग्वेज बता रहा हूँ जो बिल्कुल सिंपल है, अगर क्वेश्चन मॉडिफाइड होगा, बाहर से भी होगा, आंसर आपके पास होगा। अंजलि प्रमाण क्या होता है, आप देख रहे हैं ये हैंड, ठीक है, जॉइंट है, ठीक है। तो बस यही आपका, इसी तरीके से आपकी मेजरमेंट की जाती थी चीज़ों को लेकर। मतलब दोनों हाथों का यूज़ करके, ठीक है, एक कप ऑफ पिट इस तरह का ये बनाया जाता था, ठीक है। जो भी चीज़ जितनी इसमें आ गई, ठीक है, उसी हिसाब से फिर ये मेज़र किया जाता था, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि बात, पिट, कफ, कितना कितना अंजलि प्रमाण से कैसे कैसे मापते हैं ट्रिक के जरिए, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसी तरह से हम उस टाइम पे मापते थे, ठीक है। जैसे आपका फ्लूड हो गया, फ्लूड आपका इन द सेंस कि जो वाटर लाइक सब्सटेंस हो गए लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तो इसी तरीके से ये मापा जाता था। आपका सेमी सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड को हम क्या कहते हैं, पुरीश, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, पुरीश, ठीक है। पुरीश यानी कि उसकी पोटी से, स्टूल से अंदाजा लगाया जाता था कि कौन कितना स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेजर की जाती थी। तो ये तो हो गया आपका अंजलि प्रमाण। अब आपका आता है अंगुल प्रमाण, ठीक है। अंगुल प्रमाण में देखिए, उंगली से ये चीज़ को मेजर किया जाता था, ठीक है। जैसे कितना इतना मेजर किया जाता था, ठीक है, उंगली के हिसाब से। मतलब इसमें देखा जाता था आपकी लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, शरीर की लेंथ, ठीक है, बॉडी पार्ट्स की लेंथ, इससे ही मेज़र किया जाता था, ठीक है। और स्ट्रक्चर के लिए भी इसी अंगुल प्रमाण का यूज़ उस टाइम पे होता था। फॉर एग्जांपल, आज भी मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो
कई बार अगर आपके पास इंची टेप नहीं है, ठीक है, या कुछ ऐसी मेजर करने के लिए चीज नहीं, तो हो सकता है कि आज भी आप ऐसे बताने के लिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आज भी आप हाथों का यूज करते हो मापने के लिए कि कितने मेरे हाथ हैं, कितना कितना इंच है, कितना चीज हमें चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन आज हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास आज सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम नहीं थे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हुआ क्या कि आचार्यों ने अलग अलग प्रमाण दिए, ठीक है, जिसमें आपको मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि कितने कितने अंजलि प्रमाण होने वाले हैं। अंगुल प्रमाण आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। देखिए ट्रिक्स पहले याद रखो, जोकर रो रोकर, ये जितना भी ये डिवाइड लगाया गया है, ठीक है, ब्रैकेट में जो किया गया है, ये आपने याद नहीं रखना है, ठीक है। पूछता है कि पतला मोटा बैल मुझे मार ना दे, बस ये ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स के जरिए ही आपको सारा याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस यही से बन रहे हैं। हमने प्रीवियस जितने पेपर एनालाइज किए हैं अंजलि प्रमाण से, इसी तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये सारा कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। देखिए कैसे होगा, ट्रिक क्या है, जोकर रो रो कर पूछता है कि पतला मोटा बैल मुझे मार ना दे, जो ब्रैकेट में है वो आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है। जैसे आपका है जल है आपका 10, अब 10 कैसे है, कैसे याद रखें, सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ। जोकर से हो गया जल, रो से हो गया रस, रो रो कर, कर आपका नहीं आएगा, रक्त, पूछता से पुरुष, की से कफ, पतला पीत, मोटा मूत्र, बैल बसा, मुझे यानी कि मेद, मार मज्जा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अपोजिट गिनती लिख देनी है, ठीक है, अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका ये 10, आपका क्लियर हो गया। आपको एकदम से पता चल जाएगा कि पित कितना, कितना अंजलि प्रमाण बताए हैं, कितना है, एकदम से पता लगेगा कि 5 है, अपोजिट गिनती लिख दो, ठीक है। बस ये ट्रिक्स याद रखो, ठीक है, इस ट्रिक्स को याद रखो, आपका सारा ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी ट्रिक्स है ये, आपको याद रहेगा, ठीक है। और ओज शुक्र मस्तिष्क, ये आपके कितने हैं, आधा अंजलि प्रमाण है, बस ओज शुक्र मस्तिष्क। देखिए डेप्थ में अगर आपको क्लासेस चाहिए, ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज चाहिए, आयुर्वेदा बहुत वास्ट है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, ठीक है, तो आप वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से आपको बताई हैं, हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो आप उन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। और हर हफ्ते आप टेस्ट लगा सकते हैं, जहाँ पे आप खुद को चेकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे हैं घर पे हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़िए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिर भी कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, आप क्लियर नहीं होता है, सिंपली व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपके लिए 24 घंटे आपकी सेवा में है, ठीक है, तो जरूर फायदा उठाइए। नंबर आपके सामने एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये नंबर है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, अंजलि प्रमाण, ठीक है, अंगुल प्रमाण, अंजलि प्रमाण को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है, क्योंकि अंजलि प्रमाण से हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो चुका है, बस ये ट्रिक्स याद रखनी है, जो कर रो रो कर पूछता है कि पतला मोटा बैल मुझे कहीं मारना दे, बस ये याद रखो, तो इसका आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे, अपोजिट लिख दो, बस हो गया, ट्रिक्स याद होनी चाहिए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए इसी के साथ जय हिंद।